हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू D&D कंस्ट्रक्शन। सो फ्रेंड्स, आज हम डिस्कस करेंगे कि पिन रिइंफोर्समेंट क्या होता है और हम इसको स्पेसर बार भी बोलते हैं, पिन बार भी बोलते हैं। तो फ्रेंड्स, ये बहुत छोटा टॉपिक है बट बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है, बिकॉज साइट पे हम प्रॉपरली स्टील तो प्रोवाइड कर लेते हैं एज पर जनरल डिटेल एंड एज पर डिज़ाइन रिक्वायरमेंट, बट हम ये छोटी छोटी चीज़ों को ध्यान नहीं देते और ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है साइट पे। तो हम इसके बारे में फ्रेंड्स, ये हम स्पेसर बार क्यों प्रोवाइड करते हैं, इसकी डाया कितनी होनी चाहिए और इसकी स्पेसिंग कितनी होनी चाहिए, ये सब हम क्वेश्चंस डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो चलिए फ्रेंड्स, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सो फ्रेंड्स, जो हमारी हैवीली डिज़ाइन बीम्स होती है, वो बीम को हम ड्यू टू क्रॉस सेक्शनल एरिया रेस्ट्रिक्शन और हमारी जो बीम्स की स्टील है वो मैक्सिमम होने के वजह से, हम जो स्टील टॉप एंड बॉटम टेंशन एंड कॉम्प्रेशन जोन में जो मेन बार्स प्रोवाइड करते हैं, उसको हम लेयर्स में प्रोवाइड करते हैं। एंड वो लेयर्स में प्रोवाइड करने के लिए हम, एज पर आप लोगों को पता होगा, डिज़ाइन में इफ़ेक्टिव डेप्थ जो है वो हमारी मेंटेन होनी चाहिए। जो लेयर्स में बार्स प्रोवाइड किए हैं वो सेम स्पेसिफिक प्लेस पे हमारी होनी चाहिए, जो प्लेस पे हमारी एज पर जो हमारी टॉप एंड बॉटम बार्स है वो स्पेसिफिक कास्टिंग करते समय कॉन्क्रीटिंग के टाइम पे सेम जगह पर प्लेस होनी चाहिए। तो हम इसलिए फ्रेंड्स, वो जगह पे रखने के लिए हम पिन्स यूज़ करते हैं। पिन से हमारी टॉप एंड बॉटम एंड जो लेयर्स बार्स होती है वो हमारी प्रॉपरली जो पोजिशन है बार्स का वो मेंटेन होता है। सो ये हुआ हमारा, हम पिन्स का रिक्वायरमेंट क्यों होता है। एंड फ्रेंड्स, ये हमारी जो पिन का साइज़ है वो फ्रेंड्स एज पर बीम विड्थ डिसाइड होता है। हम बोथ साइड कवर माइनस कर देते हैं तो जो बीम का विड्थ होगा उसके हिसाब से हमारी कटिंग लेंथ ऑफ पिन आएगी। एंड इसका जनरली फ्रेंड्स जो डायमीटर है वो हमारा कॉन्क्रीट का जनरली जो हमारा एग्रीगेट है वो हम 20 mm जनरली यूज़ करते हैं। तो हमारी जो लेयर्स है उसमें कंक्रीट फिल होना चाहिए, तो इसलिए हम जो स्पेसर बार्स हैं वो जनरली 25 mm का रखते हैं, क्योंकि 20 mm का तो हमारा एग्रीगेट साइज़ होता है। या फ्रेंड्स, जो हमारी मैक्सिमम जो मेन बार है उसका डायमीटर और 25 जो भी ग्रेटर होगा उस हिसाब से हम पिन प्रोवाइड करते हैं। एंड फ्रेंड्स, जैसे कि आप देख सकते हैं, ये जो पिन है इस टाइप से दो लेयर्स के बीच में इंसर्ट करके हम प्रॉपरली टाई कर देते हैं, जिससे हमारी जो ये लेयर्स की बार्स है वो प्रॉपरली स्पेस मेंटेन रहेगा टॉप एंड बॉटम बार्स का एंड लेयर्स का। एंड फ्रेंड्स, जो स्पेसर बार्स है वो हम टॉप में भी प्रोवाइड करते हैं, बॉटम में भी प्रोवाइड करते हैं। जैसे हमारी रिक्वायरमेंट होगी जो लेयर्स में स्टील प्रोवाइड होगी तो हम ये स्पेसर बार्स प्रोवाइड करेंगे। एंड फ्रेंड्स, ये जो स्पेसर बार्स है उसकी स्पेसिंग, जो हमारी स्पेसिंग है वो जनरली हमारी 1 meter होती है। सो फ्रेंड्स, मैं आप लोगों को ये डिटेल में एक क्रॉस सेक्शन ऑफ बीम लेकर एक्सप्लेन करता हूँ कि ये पिन हम कहाँ पे प्रोवाइड करते हैं। तो जैसे कि आप फ्रेंड्स देख सकते हैं, ये हमारा विड्थ ऑफ बीम है एंड विड्थ ऑफ बीम के हिसाब से हमारा टॉप कवर है एंड बॉटम कवर है। एंड जो ये बॉटम में आप देख सकते हैं फ्रेंड्स रेड कलर में, ये रेड कलर में हमारा पिन प्रोवाइड किया है, ये MS पिन है। इसमें आप देख सकते हैं फ्रेंड्स, टॉप में जो मेन स्टील्स है एंड बॉटम में स्टील्स है, ये लेयर्स में बार है। तो ये लेयर्स में जो बार है इसको हम सेपरेट करने के लिए, प्रॉपरली मेंटेन करने के लिए हम पिन्स प्रोवाइड करते हैं। सो फ्रेंड्स, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है पिन्स, क्योंकि हमारा अगर पिन अगर नहीं प्रोवाइड करेंगे तो ये जो लेयर्स की स्टील है वो हमारी डिस्प्लेस हो जाएगी कॉन्क्रीटिंग के टाइम पे, और ये डिस्प्लेस होने के वजह से हमारी इफ़ेक्टिव डेप्थ चेंज हो जाएगी, और ये इफ़ेक्टिव डेप्थ चेंज होने के वजह से फ्रेंड्स हमारा जो पर्पज़ है बीम डिज़ाइन करने का वो हमारा फेल हो सकता है। सो ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है कि हम जो पिन है वो प्रॉपरली यूज़ करें साइड पे। सो फ्रेंड्स, मैं आप लोगों को ये एग्जांपल के थ्रू बताता हूँ कि आप देख सकते हैं ये जो बीम्स है ये पिन है। ये आप देख सकते हैं फ्रेंड्स, जो लेयर्स को डिवाइड करने के लिए बोथ साइड में हमने पिन प्रोवाइड किया है। आप दूसरे बीम में भी देख सकते हैं फ्रेंड्स, ये दो साइड में पिन्स प्रोवाइड किया है।
ये अभी वर्क चालू है, ये अभी कंप्लीट नहीं हुआ है, बट पिन्स प्रोवाइड किया है इसमें। एंड ये आप देख सकते हैं साइज़ ऑफ पिन, देख सकते हैं फ्रेंड्स, ये जो है हमारा साइज़ ऑफ पिन है, ये हमारे विड्थ के हिसाब से डिसाइड होता है पिन। एंड फ्रेंड्स, ये पिन जनरली दो लेयर्स के बीच में हम इंसर्ट करके इसको प्रॉपरली टाई करते हैं, जैसे कि आपने वीडियो में देखा था टाई कैसे करते हैं पिन को। एंड फ्रेंड्स, ये जो मैं आपको एग्जांपल बता रहा हूँ, ये वन साइड में हमारा एक कॉलम है, एंड ये कॉलम से हमारा ये बीम है, ये सेकेंड साइड कॉलम है, एंड ये दोनों कॉलम के बीच में ये मेरा बीम है। तो ये बीम में ये आप देख सकते हैं ये हमारा पिन प्रोवाइड किया है, ये जो पिन है ये हमारी लेयर्स को डिवाइड कर रहा है, आप देख सकते हैं फ्रेंड्स। ये डिस्टेंस में हमने दो पिन्स प्रोवाइड करें, एक लेफ्ट साइड में राइट साइड में। इस कंडीशन में हम मेंटेन नहीं कर सकते 1 मीटर स्पेसिंग, बट जनरली हमारा 1 मीटर स्पेसिंग होना चाहिए। एंड बॉटम में अगर एक्स्ट्रा बार्स है तो बॉटम में भी हम पिन्स प्रोवाइड करते हैं एज पर ड्राइंग एंड रिक्वायरमेंट। एंड फ्रेंड्स, ये जो आप देख सकते हैं इसमें स्टीरअप्स भी है। सो फ्रेंड्स, होप सो आप लोगों को ये समझ में आया होगा कि ये पिन्स क्यों प्रोवाइड करते हैं, कैसे प्रोवाइड करते हैं, इसकी डायमीटर क्या होती है, क्योंकि फ्रेंड्स ये बहुत इंटरेस्टिंग एंड इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। ये साइड पे हम लोगों को बहुत रिक्वायर्ड होती है कि पिन जो है वो हम कैसे प्रोवाइड करते हैं। ये आप देख सकते हैं बीम में डेवलपमेंट लेंथ, लेफ्ट साइड में एंड राइट साइड में कॉलम में डेवलपमेंट लेंथ प्रोवाइड किया है बीम का, LD जनरली 50D होता है, बट कॉम्प्रेशन एंड टेंशन में अलग अलग डिपेंड करता है फ्रेंड्स। एंड फ्रेंड्स, ये जो बार्स है ये हमारी सेपरेट रहती है इससे। सो फ्रेंड्स, मैं आप लोगों को, आप देख सकते हैं ये वीडियो में अदर, ये देख सकते हैं ये और पिन प्रोवाइड किया है, ये भी पिन प्रोवाइड किया है। थोड़ा रेनी सीजन है फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं। ये और एक एग्जांपल है फ्रेंड्स पिन का, किस टाइप से पिन प्रोवाइड किया है ये आप देख सकते हैं लेफ्ट एंड राइट साइड में। जब लेफ्ट एंड राइट साइड में सपोर्ट्स में अगर हमारी एक्स्ट्रा लेयर्स में बार्स है तो हम जनरली 2 स्पेसर बार्स यूज़ करते हैं लेफ्ट एंड राइट में। तो जनरली हम 1 स्पेसर बार प्रोवाइड करते हैं, 2 स्पेसर बार प्रोवाइड करते हैं लेफ्ट एंड राइट में। जो लेफ्ट साइड का डिस्टेंस है उसमें 2, राइट साइड के डिस्टेंस में 2। तो होप सो फ्रेंड्स, आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई होगी एंड आपको ये पिन, जो पिन रिइंफोर्समेंट है, इसका कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा कि ये पिन्स कैसे प्रोवाइड करते हैं। सो थैंक यू सो मच फ्रेंड्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आप लोग इस वीडियो से कुछ भी सीखे हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब माई YouTube चैनल DND कंस्ट्रक्शन। बाय बाय फ्रेंड्स, जय हिंद।